हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम जो है बहुत ही अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा हवा भी चल रहा है। तो मैं अपना आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इतने सारे पौधों को पानी दे देती हूँ, धूप में बहुत ही ज़्यादा प्यासे हो गए हैं। उसमें अपने सैंडल्स को वेयर कर लेती हूँ। तो पानी देना पौधे में स्टार्ट करते हैं। ये सब आप क्या क्या चीज में आप लगाए हैं गाछ? इसको कहते हैं इंडिया का जुगाड़, जुगाड़ू इंडिया। कुछ भी वेस्ट होने नहीं देते हैं हम लोग। ये सिंघोनियम है, छोटा बाल्टी में भर के और सब पौधों में। बाल्टी उलट गया मेरा तो। और यहाँ पे क्या रखता है खुशबू बुआ? एक कोलकाता में मिष्टी दोई मिलता है तो ये उसका हांडी है और मैंने उसमें भी पौधों को लगा दिया है। देखो मेरा ये कागज फूल का पौधा है और इसमें से कितने सुंदर फ्लावर्स आने लगे। पौधों में पानी देने के बाद अब मैं जो आज कपड़े को धोया था उसे फोल्ड करके जगह पे रख देती हूँ। फिर आज मैंने आलू पापड़ बनाया है, अपने दीदी के घर ले जाऊँगी लड्डू के साथ। तो अभी उसे उन्हें भी छत से जाकर उठा लाऊंगी। फिर बर्तन धोना है और फिर आज रामनवमी का दिन है तो मंदिर जाना है, तो शाम को नहा कर मंदिर भी जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। पापड़ लाने की बारी है। पापड़ जो है आज धूप में हाफ ही सूखा है, कल इसे फिर से धूप में देना पड़ेगा। तो अभी मैं इन्हें अलग अलग एक अलग अलग करके थाली में रख ले रही हूँ। ये पापड़ मेरे सब मैंने घर में जब सबको खिलाया तो सबको ये पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छा, टेस्टी, चटपटा, यम्मी लगा। तो आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिए। क्यों लड्डू, मजा आया था ना पापड़ खा के? हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी इन सारे पापड़ों को थाली में उठा लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने हैं। सारे काम हो गए, तैयार भी हो गई मंदिर जाने के लिए और लड्डू बंदर की तरह हंस रहा है। मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए हैं। अच्छा सी सब बनाया है। Thank you.
रेल लाइन के उस पार। हाँ हाँ लेकर आए हैं। ऐसा हुआ है कि कोई साल नहीं दिए हैं, गाड़ी पर फंस खुल गया, इस बार लेट हो गया। बस मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ, अब घर में भी दिया बत्ती कर देती हूँ। आज कौन सा पूजा था? नमो नमो करो हाथ जोड़ के। मेरी शिवन्या बहुत गुड गर्ल है, तो प्लीज़ किसी भी रीज़न से अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स डालती हूँ। और यहाँ मेरा पापड़ सूख रहा है, घर में भी मैंने दिया बत्ती कर दिया है। मंदिर में से हमें प्रसाद मिला है, बुदिया और कुछ मिला है, पता नहीं इसमें क्या है। लड्डू खोलो तो क्या है इसमें? भी बहुत सारा बुदिया मिला है। बाबा इतने सारे बुदिया का मैं क्या करूँगी, घर में खाने वाले कोई है नहीं, पर कोई नहीं, भगवान का प्रसाद है। क्या करके मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आज रामनवमी का दिन है, तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। यजमानना मुंह का बात नहीं है, हम लोग बाहर बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, तो हम लोग हवा का आनंद उठा रहे हैं। और ये पास में बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है, देखिए इसमें कितने सारे आम लगे हैं, और उसमें से दो आम गिर भी गए हैं। मैं इन्हीं आमों को उठा लेती हूँ और फिर इनका अचार कुचिया बनाती हूँ। कभी कभी क्या क्या लगा के खाते हैं परी हम लोग, नमक और मिर्ची, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब उसको तो सोच के ही मुँह में पानी आ जाता है। मैंने आज अपने डिनर के लिए खिचड़ी बनाया था, लेकिन छुटंकू लड्डू परी तो खाकर चली गई, उन लोगों को खिचड़ी खाना था, तो मैं अपना डिनर बच्चे लोगों को करा रही हूँ। कैसा बना है खिचड़ी? अच्छा बहुत ही जोर जोर से बादल गरज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। चुप ना बाबा, भगवान की फोटो खींच रहे हैं छोटंकू। क्यों भगवान की फोटो खींचती है? जो जो बच्चा बदमाशी करता है ना, भगवान जी फोटो खींचते हैं, फिर उसको गिफ्ट नहीं देते हैं।
आज का मौसम तो इतना अच्छा है कि सोने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस मैं बच्चों को तो मैंने खिला दिया है, अब मैं खुद भी खाकर सोने जा रही हूँ। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।